ये वीडियो इंदौर प्रशासन के लिए है और इंदौर कलेक्टर, इंदौर प्रशासन, स्वास्थ्य मंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम अस्पताल में भर्ती हैं ब्लैक फंगस के इलाज के लिए और इंजेक्शन्स हमको नहीं मिल रहे हैं। बहुत बुरी हालत है, यहाँ किसी भी तरह का कोई इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। जैसा परिपत्र आपने जारी किया था कि उसके माध्यम से डायरेक्ट अस्पतालों को उपलब्ध कराए जाएंगे, पिछले कुछ दिनों से वो भी नहीं उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अस्पताल के बिल के साथ साथ हम बाहर भी भटक रहे हैं, हर चीज़ की व्यवस्था हमको करनी हो रही है। हमारा मरीज दिन ब दिन उसकी हालत ख़राब होती जा रही है। आपके लिए 10-12 घंटे, 24 घंटे एक समय होता है, हमारे लिए वो जिंदगी और मौत होती है। किसी भी वक्त कोई भी अंग पे फंगस अपना प्रभाव डाल सकती है, वो आँख है, उसके बाद दिमाग है और कुछ भी असर हो सकता है। आँख जा सकती है, दिमाग में फंगस खा सकता है, पूरी बॉडी पैरालाइज हो सकती है। आप उस मामले की गंभीरता को समझें और जितना जल्दी हो सके अस्पतालों को इंजेक्शन उपलब्ध कराए ताकि मरीजों की जान बच सके। मरीज जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। आपके लिए समय की कीमत कुछ और होगी, पर हमारे लिए समय की कीमत जिंदगी और मौत है। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि जितनी जल्दी हो सके अस्पतालों में इंजेक्शन उपलब्ध कराए। कंपनी में बात करने पर कह रहे हैं कि प्रोडक्शन हो गया है, यहाँ से निकल गया है, इंजेक्शन जा कह रहे हैं बीच में। माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, आप प्लीज़ इस बात को बहुत हल्के में न लें, बहुत गंभीरता से लेते हुए अस्पतालों में इंजेक्शन उपलब्ध कराएं। मैं बॉम्बे हॉस्पिटल से बोल रही हूँ, मेरा पेशेंट की आँख पे असर हो रहा है, उसकी आँख में दर्द हो रहा है, उसका पूरा जबड़ा दर्द कर रहा है। वो मेरे पति हैं, 40 साल की उम्र है। मुझे ये बताइए कि इस हालत में मैं उनको कहाँ लेके जाऊँगी। इंजेक्शन बाहर भी नहीं मिल रहे हैं, कहीं नहीं मिल रहे हैं, हॉस्पिटल में भी नहीं मिल रहे हैं, तो मेरे पास क्या रास्ता होना चाहिए? उनको तिल तिल तड़पते मैं नहीं देख सकती। आप मुझे बताइए मैंने क्या करना है आगे। अगर आज इंजेक्शन नहीं मिलते तो मैं हॉस्पिटल की छत से कूद के आत्महत्या कर लूंगी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। मेरे इस वीडियो को प्लीज इतना वायरल कर दो क्योंकि यहाँ जितने पेशेंट हैं उनके घर वालों की मानसिक स्थिति अब यही हो गई है और यही हो सकती है। इसलिए प्लीज इसको पहुंचा दो गवर्नमेंट के पास, प्रशासन के पास, कि कोई पेशेंट सफर नहीं करे, उसकी फैमिली सफर नहीं करे। डॉक्टर्स को नहीं पता है कि